गोरखपुर अब गारमेंट इंडस्ट्री हब बनने के लिए तैयार है। कपड़ा इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में जगह भी दी जा रही है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 4 एकड़ जमीन देगी, जिस पर कारखाना बनाकर उसे उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रोजेक्ट में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय ऐसा है जिसमें कम पूंजी लगती है और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा है, अकेले गोरखपुर में 350 करोड़ रुपए की पूंजी से रेडीमेड गारमेंट के कारोबार में 15,000 से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार मिला है। अब हमारा लक्ष्य 50,000 लोगों को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने पहले ही अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे MSME को आत्मनिर्भर पैकेज के तहत ऋण की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके लिए बाजार की जरूरत के अनुसार उत्पाद तैयार करने, लोगों को प्रशिक्षण देने को लेकर कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा है, इस समय गोरखपुर में लगभग 2500 करोड़ रुपए का कपड़ा बाजार है, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए के रेडीमेड कपड़ों की आपूर्ति बाहर से होती है। आने वाले दिनों में उद्यमी खुद कपड़ों का स्थानीय रूप से उत्पादन करके यह व्यवसाय अपने हाथ में ले सकते हैं। गोरखपुर की कुल आबादी लगभग 55 लाख है, इनमें से लगभग 25 लाख महिलाएं हैं, जिन्हें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।